हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हट में। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करूंगा। बेसिकली वो जो डिस्कशन है वो नीट यूजी 2022 के एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड होने वाला है। उसमें जो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है तो उसके बारे में मैं एक बार फिर से डिस्कशन कर रहा हूं, क्योंकि अभी भी जो है मेरे पास काफी सारी क्वेरीज आ रही हैं इससे रिलेटेड कि सेंट्रल का फिल करना है, स्टेट का फिल करना है, डिक्लेरेशन का फिल करना है, कब नहीं फिल करना है। तो वो जो है मैं आपको एक बार फिर से ब्रीफ में उसके बारे में जो है अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज एंड तक देखें ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक बार फिर से क्लियर हो जाए। और लास्ट में जो है मैं आपको करेक्शन के बारे में बता दूंगा कि जिनसे जो है मतलब गलतियां हो गई हैं फॉर्म फिलिंग के टाइम पे, किसी का एड्रेस गलत हो गया है या फिर किसी ने क्वेश्चन पेपर का मीडियम गलत चूज कर लिया या फिर एग्जामिनेशन सेंटर गलत हो गया है, तो उसके लिए जो है मैं आपको लास्ट में कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो पहली एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड होना है, तो पहले हम अगर बात करें ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, तो उनके लिए मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि जैसे मैंने एनटीए के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करी थी, आप खुद भी जो है कॉल करके पूछ सकते हैं। तो मैंने भी उनको कॉल करा था उससे पहले भी, मतलब मेरे को यही लग रहा था कि स्टेट वाला एप्लीकेबल होगा, लेकिन उन्होंने मुझे जब मेरी उनसे बात हुई थी तो उन्होंने कन्फर्म मुझे बता दिया था कि स्टेट वाला जो है एप्लीकेबल नहीं होगा ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के केस में, ठीक है। तो ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का जो है सेंट्रल का ही सर्टिफिकेट एप्लीकेबल होगा। अब इसके पीछे मैं आपको रीजन एक्सप्लेन कर देता हूं कि सेंट्रल का ही क्यों एप्लीकेबल होगा, ठीक है। क्योंकि देखो ऐसा होता है कि ऐसा हो सकता है, मान लो आप जो हो अपनी स्टेट के अंदर ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के अंडर आते हो, लेकिन वो जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया जरूरी नहीं दूसरी स्टेट का भी सेम हो, ठीक है। सपोज मान लो आपके वहां पर जो है ओबीसी एनसीएल के लिए जो है इनकम जो रखी हुई है वो सपोज 8 लाख रुपए रखी है, तो हो सकता है दूसरी स्टेट में जो है वो 7 लाख रुपए हो, ठीक है। तो उसके लिए जो है आपको ओबीसी एनसीएल की जो लिस्ट है उसकी सेंट्रल लिस्ट में आना पड़ता है। तो सेंट्रल का जो सर्टिफिकेट है वो यही क्लियर इंडिकेशन देता है कि आप जो हो सेंट्रल लिस्ट में प्रेजेंट हो और आप ऑल ओवर इंडिया जो हो कहीं पर भी किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो, किसी भी सेंट्रल या फिर किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो उस सर्टिफिकेट को यूज करके, ठीक है। इसलिए वो सेंट्रल का सर्टिफिकेट आपसे मांग रहे हैं। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस के केस में, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के जो क्राइटेरिया है वो कुछ स्टेट्स में अलग है, तो वो कंप्लीट एक मतलब एक कॉमन क्राइटेरिया दिखाने के लिए जो है आपको सेंट्रल का सर्टिफिकेट वहां पर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ओबीसी एनसीएल और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसके लिए जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट इश्यूड ही होना चाहिए। आप 95% कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका सेंट्रल का सर्टिफिकेट नहीं है, इसीलिए एनटीए ने इस बार क्या करा है, आपको अपॉर्चुनिटी दी है कि आप जो हो अपना सर्टिफिकेट बनवा सकते हो सेंट्रल के फॉर्मेट में। इसीलिए जो है ये जो आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है इसके जब पेज नंबर आप 98 पर जाओगे, मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। तो इसके जब आप पेज नंबर 98 पर जाओगे तो आपको जो है यहां पर डिक्लेरेशन फॉर्म मिलेगा, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हो ये लिखा हुआ है डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट इन लियो ऑफ जनरल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। तो ईडब्ल्यूएस वाले जो भी कैंडिडेट हैं जिनके पास स्टेट का सर्टिफिकेट था, सेंट्रल का वो बनवाएंगे, तो वो लोग इस डिक्लेरेशन फॉर्मेट को जो है प्रिंट करा के पेन से फिल करके अपलोड कर देंगे कैटेगरी सर्टिफिकेट जहां पर आपको अपलोड करना है उसकी जगह पर, क्योंकि ये भी काफी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि इसको अपलोड कहां पर करना होगा, ठीक है। तो इसको वहीं पर अपलोड करना है जहां पर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड होता है, क्लियर है। उसी तरीके से देख सकते हो आप ओबीसी एनसीएल के लिए भी जो है यहां पर आपको डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसके लिए मैंने कंप्लीट एक वीडियो बना रखी है कि इसको कैसे फिल करना है, कैसे इसको डाउनलोड करना है, तो उस वीडियो का लिंक जो है वो मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है, वहां से जाके आप उसको चेक कर सकते हो अगर आपको ये डिक्लेरेशन फिल करना होगा, ठीक है। अब बात करें एससी और एसटी कैटेगरी की, और एक चीज मैं ये बता दूं कि ये जो इन्होंने यहां पर फॉर्मेट दिया है ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको यही वाला फॉर्मेट यूज करना है, आप ये वाला भी फॉर्मेट यूज कर सकते हो जब आप सर्टिफिकेट बनवाओगे सेंट्रल गवर्नमेंट वाला, या फिर वो जो अपना खुद का फॉर्मेट देते हैं तो वो भी आपका वैलिड होगा, लेकिन जो इश्यूइंग अथॉरिटी है, जो अथॉरिटी होगी वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होनी चाहिए, ना कि आपकी स्टेट गवर्नमेंट, क्लियर है। बस इतना डिफरेंस है, और बाकी किसी का पहले का सेंट्रल का सर्टिफिकेट बना हुआ भी है लेकिन अगर वो 1 जनवरी 2022 से पहले का होगा तो वो तब भी वैलिड नहीं है, आपको 1 जनवरी 2022 या फिर उसके बाद का ही इश्यू डेट का सर्टिफिकेट जो है वहां पर वैलिड होगा और उसी को आपको वहां पर लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरी चीज बता दूं कि अभी जिसके पास नहीं है, जिसने बनवाने को दे रखा है, तो जितना भी टाइम लगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जो ओरिजिनल वाला है
आपको जो दिखाना पड़ेगा वो दिखाना पड़ेगा आपको एडमिशन के टाइम पे, ठीक है। आप सोच सकते हो कि जुलाई में अगर आपका पेपर है तो अगस्त के आसपास जो आपका रिजल्ट आएगा और फिर सितंबर अक्टूबर में जाके आपकी काउंसलिंग होगी, तब तक आपका बन ही जाएगा हर किसी का। तो उस टाइम पे जब आपका एडमिशन होगा तब आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो तब तक आप बनवा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और किसी का अगर अभी तक बन जाता है, जब मान लो करेक्शन विंडो ओपन होती है, तो तब तक अगर आपका बन जाएगा तो डिक्लेरेशन फॉर्म जो आपने अपलोड कर रखा है उसकी जगह पे फिर उसको अपलोड कर देना करेक्शन के टाइम पे, क्लियर है। और एक क्वेश्चन और आ रहा था सभी के मन में कि अगर सपोज हम एडमिशन के टाइम पे ये वाला सर्टिफिकेट शो नहीं कर पाए या काउंसलिंग के टाइम पे हम ये वाला सर्टिफिकेट जो है शो नहीं कर पाए और अगर हमने अभी डिक्लेरेशन अपलोड कर रखा है तब क्या होगा? तो देखो तब क्या होगा, तब उस टाइम पे अगर आपको कोई सीट अलॉट हुई होगी तो उस वाले राउंड में आपकी सीट को कैंसिल कर दिया जाएगा और आप नेक्स्ट राउंड में जो हो एलिजिबल होगी काउंसलिंग के लिए लेकिन अनरिजर्व कैटेगरी से, ठीक है। तो ये होगा, इसका मतलब ये चीज आपके साथ होगी अगर आप उस टाइम पे सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाओगे। तो उस फर्स्ट राउंड जो आपका होगा, अगर आपको सीट मिली होगी तो वो सीट रिजेक्ट कर दी जाएगी आपके नाम से और नेक्स्ट राउंड में आपको पार्टिसिपेट करने दिया जाएगा काउंसलिंग के लिए लेकिन जनरल कैटेगरी से, ठीक है। तो ये बात हो गई ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के, इससे रिलेटेड मैंने आपके सारे डाउट्स भी क्लियर कर दिए। दूसरी चीज एससी और एसटी कैटेगरी के लिए, तो एससी और एसटी कैटेगरी के लिए कोई ऐसा मैंडेटरी क्राइटेरिया नहीं है कि आपको सेंट्रल का ही सर्टिफिकेट लगाना है, आप स्टेट का भी लगा सकते हो, जो आपके पास है आप वो लगा सकते हो, क्लियर है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, कुछ कैंडिडेट्स की ये भी क्वेरी थी कि मेरा सर्टिफिकेट जो है वो मेरे रीजनल लैंग्वेज सपोज गुजराती में है या फिर और किसी लैंग्वेज में, तो ये याद रखना जो आपने सर्टिफिकेट लगाओगे वो हिंदी या फिर इंग्लिश में ही होना चाहिए, क्लियर है। आपका जो सर्टिफिकेट बना है वो आपका हिंदी या फिर इंग्लिश में ही होना चाहिए, ठीक है। तो एससी और एसटी कैटेगरी वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनका सर्टिफिकेट जो है वो स्टेट का इशू हो या फिर जो है सेंट्रल का इशू हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही चलेंगे, क्लियर है। अब ये बात दूसरी तरीके से कैसे और कंफर्म होती है, क्योंकि देखो उन्हें भी पता है, जैसे एनटीए को ये पता था कि 95% से ज्यादा कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके पास ओबीसी एनसीएल या फिर ईडब्ल्यूएस का सेंट्रल वाला सर्टिफिकेट नहीं है, इसीलिए उन्होंने ये डिक्लेरेशन फॉर्मेट का आपको ऑप्शन दिया कि चलो भाई इनकी इनको कैटेगरी का बेनिफिट मिलना चाहिए लेकिन हम लोग ये काम करते हैं अभी डिक्लेरेशन ले लेते हैं और फिर इनको जो है 3-4 महीने का आराम से टाइम मिल जाएगा, ये बना सकते हैं सर्टिफिकेट, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने क्या करा, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में आपके लिए डिक्लेरेशन फॉर्मेट को ऐड कर दिया। अगर एससी और एसटी कैटेगरी के साथ भी ये सेम चीज उनको करनी होती तो एससी और एसटी कैटेगरी के लिए भी वो लोग डिक्लेरेशन फॉर्मेट को इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में ऐड करते, ठीक है। तो एससी और एसटी कैटेगरी के लिए ऐसा कोई भी क्राइटेरिया मेंशन नहीं किया गया है कि आपको जो है सेंट्रल वाला ही अपलोड करना होगा। अगर आपके पास सेंट्रल वाला है तो आप उसको अपलोड कर सकते हो, अगर आपके पास स्टेट वाला है तो आप उसको अपलोड कर सकते हो, क्लियर है। उनके लिए कोई भी डिक्लेरेशन फॉर्मेट का ऑप्शन नहीं है, समझ आ गई बात। तो ये डिफरेंस है एससी एसटी और जो आपका ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल है, ठीक है। तो एससी एसटी वालों का भी ये डाउट क्लियर हो गया होगा, तो आपके पास जो भी अपना स्टेट वाला है स्टेट वाला करो, सेंट्रल वाला है सेंट्रल वाला करो, लेकिन उसकी एक बार वैलिडिटी चेक कर लेना, क्योंकि कुछ स्टेट्स में ऐसा होता है कि जो वैलिडिटी होती है वो आपकी 10 साल की होती है, ठीक है। तो आपने जहां से भी उसको इश्यू करवाया हुआ, अगर वो थोड़ा पुराना हो चुका है, 4-5 साल पुराना हो चुका है, तो आपने जहां से उसको बनवाया था, जिस भी तहसील से आपने उसको बनवाया था या जहां से भी आपने बनवाया उसको इश्यू करवाया, तो वहां जाके आप एक बार उसको कन्फर्म कर लेना कि सर ये जो हमने सर्टिफिकेट बनाया था इसकी वैलिडिटी कितने साल की होती है, ठीक है। वो वैलिड होना जरूरी है, मतलब उसकी एक्सपायरी डेट ना हो, ठीक है। कि कुछ स्टेट्स में होता है कि भाई 5 साल के लिए जो एससी एसटी का सर्टिफिकेट बनता है या 10 साल के लिए बनता है, तो वो आप जरूर एक बार चेक कर लेना। बाकी और कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है कि सेंट्रल का इशू है या स्टेट का इशू है, दोनों ही एप्लीकेबल है, ठीक है। तो अब आपके जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट से रिलेटेड सारे डाउट्स आई थिंक मैंने सॉल्व कर दिए। और भी अगर कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इनकेस अगर मैं कमेंट सेक्शन में आपका रिप्लाई नहीं कर पाता हूं, अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट ऐसी क्वेरी है जो काफी अर्जेंट है, तो या तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो अबाउट सेक्शन में, चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरे ईमेल एड्रेस है, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो भी मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है, ठीक है। और बाकी जो डिक्लेरेशन फॉर्म फिल जिसको भी करना है, जिसके पास अभी सेंट्रल वाला सर्टिफिकेट नहीं है ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल के केस में, तो वो जो है वो वाली वीडियो देख लेना, कैसे फिल करना है वो सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है उस वीडियो में, तो उसका लिंक भी जो है मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है, ठीक है। बाकी इससे रिलेटेड हाँ, और बाकी जो मुझे करेक्शन के बारे में बताया था वो भी मैं आपको बताता हूँ कि देखो करेक्शन विंडो जो है आपका जो है 6 मई तक आपकी लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की, 7 मई तक आप पेमेंट कर सकते हो लास्ट। तो फॉर्म अपने अभी तक जिसने नहीं भी फिल करा होगा फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिल कर लो। तो जो आपकी करेक्शन विंडो है वो आपकी जो है लगभग 10 से 15 मई के आसपास ओपन होगी,
क्लियर है। तो जिसकी भी कोई भी गलती हो गई है फॉर्म फिलिंग में, ये मैं एक नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि क्या क्या चीजें सही होती हैं, क्या क्या चीजें नहीं सही होती। एक चीज आप समझ के चलो कि 90-95% जो है आपकी डिटेल्स करेक्शन विंडो में सही की जा सकती हैं। तो ऐसी बिल्कुल घबराने की बात नहीं है कि मेरी ये वाली डिटेल सही हो पाएगी नहीं हो पाएगी, उसके बारे में मैं डिटेल में आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। बाकी करेक्शन विंडो का जैसे ही अपडेट आएगा, करेक्शन विंडो जैसे ही ओपन होगी, तो उसके बारे में भी आपको तुरंत अपडेट दे दूंगा, ठीक है। और मैं आपको बता भी दूंगा कि करेक्शन कैसे करना है, और करेक्शन के लिए शायद कोई फीस नहीं एप्लीकेबल होती है क्योंकि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में ऐसा कुछ नहीं दिया है, तो ये मत सोचना कि करेक्शन के लिए हमको फीस देनी पड़ेगी। अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर कुछ लेटेस्ट नोटिफिकेशन में आता है तो वो बात अलग है, ठीक है। तो ये करेक्शन विंडो के बारे में मुझे आपको बताना था। तो करेक्शन विंडो में आप ये सोच के चलो कि 90-95% जो डिटेल्स हैं वो आपकी चेंज हो सकती हैं, ठीक है। बाकी जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें जो उसमें चेंज नहीं हो पाती, वो आपके जैसे ईमेल आईडी हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, तो ये सारी जो चीजें हैं वो आपकी चेंज नहीं हो पाती, बाकी सारी चीजें आप एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में मुझे यही डिस्कस करना था। आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई होगी। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। करेक्शन विंडो का जैसे अपडेट आएगा तो मैं आपको तुरंत बता दूंगा। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।